Hey, hello everyone, welcome back to your YouTube channel. So, new day, new video and new look, right? Chapter हमने शुरू किया था, number system. So, this is the last public video of maths. After that, only selected students will be able to see maths videos on daily basis, right? Video daily आए, but selected students ही देख पाएंगे. चलो शुरू करते हैं, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ. नंबर लाइन पे लोकेट करने वाला, नंबर लाइन पे लोकेट करने वाला सर वो तो हमें आता है, हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से. क्या करना होता है, एक नंबर लाइन बनानी होती है, जो नंबर दे देते हैं, कह दिया उसने टू लोकेट कर दो, तो हम यहाँ पे टू लोकेट कर देते हैं, ये हमारा आंसर हो जाता है. तो सर मैं आपको ये सिंपल वाले नहीं, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ रूट वाले नंबर्स को कैसे लोकेट करते हैं. रूट वाले नंबर्स को लोकेट नंबर लाइन पे कहाँ करें. रूट टू की वैल्यू तो मुझे सॉल्व करनी आती तो है, लेकिन मैं इसको लोकेट कैसे करूँ, रूट टू को लोकेट कैसे करूँ, वो सब सीखने वाले हैं आज इस वीडियो में. देखो पहले जो मैं कहूँगा वो आप कर लेना, ठीक है, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूँगा कैसे करना है. मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स लिखे हैं यहाँ पे, इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनको बना के देख लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है रूट टू. सपोज रूट एन कह रहा है, एन कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ये यहाँ पे लिखे हुए. अब एन को लोकेट करना, लोकेट रूट एन ऑन नंबर लाइन. इसको ना लोकेट करने के मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स. मैं आपको आज एक टाइप का मेथड सिखाने वाला हूँ, आगे की वीडियोस में फर्दर नए मेथड्स भी सीखे. तो अगर मुझे रूट एन कहे, एन कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर जैसे टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, टेन हो गया, सेवनटीन हो गया, ठीक है. तो यहाँ पर अगर मुझे रूट एन को नंबर लाइन पे शो करना है, तो मैं पहले निकालता हूँ एन माइनस वन, अंडर रूट एन माइनस वन. तरीका है जो बोलते हैं हम फिलहाल करते जाओ, कॉपी पेन लेके बैठो साथ में, फटाफट से करते जाओ. फिर क्या करना है, रूट एन माइनस वन मतलब जैसे कि रूट टू, आपका रूट टू है, तो रूट टू एन की वैल्यू कितनी हो गई, टू हो गई ना, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, रूट टू माइनस वन. बेसिकली मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आपको कोई सा भी नंबर दे रहा है ना, वो थ्री है, फाइव है, टेन है, आपको क्या करना है उसमें से वन माइनस कर, वन माइनस करने का मतलब है जैसे टू बोला उसमें, तो टू माइनस वन करके क्या रहेगा, वन. वन का अंडर रूट क्या होता है, वन. बस ये आपको ध्यान क्या ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है कि अगर उसने रूट टू कहा तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे रूट टू माइनस वन जो कि आता है वन, ठीक है. आप नंबर लाइन बनाओगे, मतलब एक सिंपल लाइन, उस पर कहीं भी सेंटर में जीरो मार्क करोगे. अगर ग्राफ पेपर में बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नॉर्मल नोटबुक पर बना रहे हो तो इस तरह से आप बनाओगे, वहाँ पर स्केल रखोगे, वन वन यूनिट का गैप लोगे, वन वन सेंटीमीटर का गैप लोगे, और फिर क्या करोगे, फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस लाइन को डार्क कर, वन को क्या कर देना है, डार्क कर देना. सर इससे क्या होगा, अरे तो देखते जाओ, ठीक है, जीरो से वन तक का क्या हो गया, डार्क हो गया, वन सेंटीमीटर की लाइन आपकी डार्क. अब परपेंडिकुलरली आपको एक लाइन बनानी है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे आपको एक लाइन बनानी है. तो क्या मैं प्रोटेक्टर से बनाऊंगा, क्या मैं उसको कंपास की हेल्प से बनाऊंगा, तो बेसिकली आपको कंपास की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट उसको डी से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है. आप स्केल रख के भी बनाइए, बस वो लाइन एग्जैक्ट स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, 90 डिग्री पर होनी चाहिए. सर कितने सेंटीमीटर की लाइन बतानी है ये तो बताओ, आपको सर 1 सेंटीमीटर की ही लाइन बनानी है. अब 1 सेंटीमीटर ये रहा और 1 सेंटीमीटर ये, ठीक है. अगला स्टेप यहाँ तक तो कर दिया हमने, आई होप आप लोग भी कर चुके होंगे. यहाँ के बाद इन दोनों को ज्वाइन कर दिया सर. अब क्या, अब ना आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी छोटी क्लास में, कहीं ना कहीं तो नाम सुना ही होगा. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, पाइथागोरस थ्योरम कहती थी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. कटवाते हैं टीचर्स, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, बचपन से रटता है हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वही लगाने वाला हूँ. यह आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है क्या, ए
ABC, अगर मैंने इसको नाम दे दिया ABC, तो एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का 90 डिग्री का एंगल है। हमें कैसे पता सर 90 डिग्री का है? अरे मैंने कहा था 90 बनाना है तो 90 होगा ना, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन है, राइट। ये बन गई। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस कौन सी होती है मुझे कैसे पता चलेगा हाइपोटेनस कौन सी होती है? तो ध्यान रखना 90 के सामने वाली लाइन हाइपोटेनस कहलाती है, 90 के सामने वाली लाइन हाइपोटेनस कहलाती है, 90 के साथ वाली लाइन बेस, और जो परपेंडिकुलर लाइन है दैट इज योर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस मतलब क्या नाम है इसका, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का नाम AB का स्क्वायर प्लस बेस, बेस का नाम BC का स्क्वायर। ये हो गया AC स्क्वायर, मुझे नहीं पता, नहीं पता ऑब्वियसली बात है। AB का स्क्वायर 1 दिया था हमने, हाँ दिया था सर। BC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सॉल्व किया, फिर सॉल्व किया और AC की वैल्यू आ गई 2, और वो 2 ही तो हमें बनाना था। तो सर मतलब क्या, मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2 है, से यहाँ तक की वैल्यू 2 है। खेल पकड़ लो क्या है, खेल ये है सारा कि मैंने पाइथागोरस को इस्तेमाल कर लिया रूट बनाने के लिए, नंबर लाइन पे रूट को शो करने के लिए। पाइथागोरस को भी नहीं पता था जब वो ये थ्योरम बता रहा था कि हम इस तरह से उसकी थ्योरम का यूज करने वाले हैं। क्या किया है हमने, बेसिकली रूट 2 बना लिया, AC की लेंथ रूट 2 हो चुकी है, ये रहा उसका वेरिफिकेशन। मतलब कंपास को रखे यहाँ से यहाँ तक खोजूँ तो कितना डिस्टेंस है, ये रूट 2 का डिस्टेंस है, ये एग्जैक्टली रूट 2 है आपके पास। अगर आपने ये बिल्कुल सीधी बनाई है तो ये वैल्यू एग्जैक्टली रूट 2 आएगी। मतलब कंपास को यहाँ रखे यहाँ तक ओपन करोगे, सी पर रखे ये तक ओपन करोगे, तो ये कितना डिस्टेंस आएगा, रूट 2 का डिस्टेंस आएगा। अब रूट 2 खुल चुका है आपके पास, कंपास में कितना डिस्टेंस खुल चुका है, रूट 2, बस यहाँ पे रखो, कट लगा दो। कि कितने पे लगेगा कट के आगे अपने आप, ये लगेगा रूट 2 पे, इसके लगेगा रूट 2 पे लगेगा। सिंपल है, समझ में आया क्या बताया मैंने, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ये सीधा मेथड है कि हम सभी नंबर दे रखा है उससे एक अंक का स्क्वायर को मिला लो, जो भी आएगा समझ करके उतने की लाइन नीचे बना लो, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर करो, इसको जोड़ दो, ये हाइपोटेनस अपने आप कोई निकल के आ जाएगी जिसकी आपको बनानी है। उसके बाद क्या करो, इसको यहाँ से यहाँ तक ओपन करो, मतलब ये रूट 2 ओपन हो गया है, ये कट लगा दो, रूट 2 बन गया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं, चलो नोट करते हैं भाई साथ साथ, मैं रुक कर चलूंगा साथ साथ। देखो रूट 5, उसने कहा जी रूट 5 ना, जो जो होता है यार उस पर्टिकुलर आते हैं, ठीक है। 2 रूट 5, तो रूट 5 एन की वैल्यू 5 एक कम कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2। ये आपको रख में करना है, ये आपको बताना चाहिए, किसी को बताना मत, एक टीचर को भी मत बताना, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको बताना चाहिए कि एक कम करके हमने निकाल दिया, फिर क्या 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। कितना आया था, 2 आया था, तो 2 करके इसको डाल दो, ये हुई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर की लाइन आ गई, ठीक है। अब नाउ जॉइन दिस, ट्रायंगल बनेगा ABC जैसे अभी सिखाते हैं बिल्कुल ऐसे चीज। तो ये आपकी 2, ये आपकी 1, लगाओ पाइथागोरस। क्या कहती है पाइथागोरस, कुछ तो कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर। AC स्क्वायर आपको निकालना है, AB की वैल्यू आपकी 1 है, BC की वैल्यू आपकी 2 है, तो 2 का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 4, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 5, AC इक्वल्स टू 5, यानी कि ऑटोमेटिकली आपके पास ये जो लेंथ आई है ये रूट 5 की आई है। जैसे ही आप कंपास को सी पे रख के ये तब ओपन करोगे, कंपास में कितना डिस्टेंस आ गया, कंपास में डिस्टेंस आ चुका है रूट 5 का, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे रख के आर्क लगाओ, जहाँ पे भी वो आर्क लगेगा
वो रूट फाइव की वैल्यू होगी और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। ये नहीं तरीका सिंपल, ठीक है ना? तो यहाँ पर समझ आ गया हमें, क्लियर है? अब रूट थ्री बना के देख लेते हैं। रूट थ्री कैसे बनाए? चलो रूट थ्री फिर से वही वाली ट्रिक जो दूसरे से छुपानी है, कौन सी है वो? थ्री माइनस वन टू, यानी कि हमें रूट टू बनाना है। अब रूट टू कैसे बनाए? सर रूट टू तो आता ही है, अरे क्यों नहीं आता? अभी तो सिखाया रूट टू बनाना, कैसे सिखाया था? पहले वन फिर वन ज्वाइन कर दो, ये क्या बन गया? रूट टू। इससे आप लगाओगे तो रूट टू बन जाएगा, लेकिन रूट टू थोड़ी ना लगाना है, क्या बनाना है? रूट थ्री। तो रूट थ्री के लिए मैंने वो वाली ट्रिक लगाई, मुझे पता चल गया इसके लिए मुझे क्या बताना चाहिए, रूट टू बताना चाहिए, और रूट टू मैंने बनाना आता है वो मैंने बना, ठीक है? तो यहाँ पे रूट टू बन चुका है। अब वही जो पहले किया, पहले भी हमने वन की लाइन बनाई थी, फाइव वाले में भी हमने वन की लाइन बनाई थी, अब भी हम वन की लाइन बनाएंगे, लेकिन किसके ऊपर रख के बनाएंगे? रूट टू के ऊपर। मतलब अपने डी को ऐसे रख देंगे ताकि 90 डिग्री के एंगल पे कितने की लाइन बने? 1 सेंटीमीटर की लाइन बने, ठीक है? तो ये हो गया। मतलब क्या है? मतलब ये कि जो आपका माइनस करके आता है ना, वो आपको बेस ले, वो क्या है? बेस। फर्स्ट केस में 1 आया इसलिए मैंने 1 लिया, फाइव वाले केस में 2 आया तो इसलिए मैंने 2 को बेस लिया, ठीक है? हाइट आपको हर बार क्या मान के चलनी है? 1, जो मैं ग्रेड बता रहा हूँ उसके ऊपर, राइट? तो यही करना। इस केस में थ्री वाले केस में माइनस करके 2 आ गया, मतलब रूट टू। तो रूट टू ये बता रहा है ना आपको, रूट टू कैसे बनेगा? रूट टू हमें बनाना आता है, बनना तो आपका बेस रहेगा रूट टू, जो आपका एन माइनस वन करके आता है ना, अंडर रूट एन माइनस वन करके, वो आपका बेस है। तो ये आपका बेस हो गया रूट टू, और ये आपकी हाइट हो गई 1। हाइट आपको 1 ही लेनी है, और हाइट आपको परपेंडिकुलर वाली ही लेनी है। उसके बाद आप क्या करोगे? जॉइन, ठीक है? नाउ जो आपका ट्रायंगल बनेगा, जो आपके काम का ट्रायंगल है, वो ये वाला। जब आप इसको सॉल्व करोगे पाइथागोरस का, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? 90 के सामने वाली एनबीएसी स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एबी प्लस बेस। बेस क्या मान के चल रहे हैं इस बार? ये लाइनिंग की बीसी, ए सी स्क्वायर आपको निकालना है। ए बी आपके पास 1 है, बी सी क्या है? बेस कितना है? रूट टू, ठीक है? सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 1 का स्क्वायर 1, रूट टू का स्क्वायर 2, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3, ए सी आ गया रूट 3। तो ए सी की ऑटोमेटिकली वैल्यू कितनी आ गई? रूट 3। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रूट 3 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जब कंपास को रखूँगा तो कंपास पे रूट 3 खुल जाएगा, और रूट 3 खुल जाएगा तो यहाँ पे आप लगा दो, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको नंबर लाइन पे बनाना है ना, तो ये आपका रूट 3 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है ना? सिंपल है। रूट 10 बनाओगे तो कैसे बनेगा? रूट 10 माइनस 1 रफ में करना ही बताना किसी को, टीचर को, ठीक है ना? थ्री आ गई, क्लियर है? तो बेस कितना लोगे? कितना? 3, ठीक है? ट्रिक बहुत बढ़िया है, ये पसंद आ जाएगी ना, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना सर मजे आ गए ट्रिक करके, ठीक है ना? ऐसा नहीं सिखाया होगा किसी ने। ये यहाँ पे 3 का बेस, 1 की हाइट परपेंडिकुलर वाली, और इसे ज्वाइन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? रूट 10 आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ओपन करोगे तो रूट 10 ओपन हो चुका है, बस ये आर्क लगा देना और रूट 10 बन जाएगा, काम खत्म। इसके बाद पैसा आ जाएगा और कुछ नहीं करना। रूट 17 बनाना है तो ट्रिक वही वाली जो सबसे छुपा के रखनी है, रूट 16 यानी कि 4। बेस बनाओ, कितने का बनाओगे? 4 का। हाइट बनाओ परपेंडिकुलर 1 की, ज्वाइन कर दो, अपने आप रूट 17 बन जाएगा, ओपन करो रूट 17 का आर्क लगाओ, बन गया रूट 17 किस्सा खत्म, ठीक है ना? तो इस तरह से आप नंबर लाइन पर रूट वाले शो कर सकते हो। अच्छा, रूट 4 को तो सॉल्व करा नहीं आपने सर, तो रूट 4 तो डायरेक्टली 2 होता है, ऐसे ही दे देना मैंने आपको दिखाने के लिए, और 2 तो आप डायरेक्टली बना सकते हो नंबर लाइन पर, ठीक है ना? तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जिसकी हेल्प से हम रूट वाले नंबर्स को भी नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। वीडियो
पसंद तो जरूर आई होगी, इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और फिर रेगुलर क्लास में मिलते हैं मैथ्स की डेली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।